किरण त्रिपाठी, एस्ट्रोलॉजर, राइटर एंड फिलोसोफर। मैं छोटी छोटी बातें आपको बतलाती हूँ और थोड़ी जल्दी जल्दी बतलाती हूँ ताकि आप मेरे वीडियो को पूरा देख सकें और उससे लाभ प्राप्त कर सकें। हम आज आपको बतलाने जा रहे हैं थकावट, या थकावट क्या है और थकावट क्यों है। थकावट सभी लोग जानते हैं, बहुत सारा काम कर लिए, बहुत दौड़ लिए, चल लिए, जिम कर लिए तो आपको थकावट हो जाती है। लेकिन अगर कोई कहे कि हम कुछ भी नहीं करते हैं फिर भी मेरे शरीर में थकावट है, हमें उठने का मन नहीं करता, हमें सोए रहने का मन करता, हम थके थके से लगते हैं, सारा काम हम करते रहते हैं लेकिन थके रहते हैं, तो इसका कोई ना कोई कारण तो होगा, कोई ना कोई वजह तो होगी कि उसके शरीर में थकावट महसूस हो रहा है। वास्तव में शरीर नहीं थका होता है, उसके ब्रेन में थकावट होती है, उसके शरीर के अंदर थकावट होती है। इसके कई कारण हैं। पहला कारण, खून की कमी हो सकता है, हेमोग्लोबिन की कमी हो सकती है। दूसरा कारण, विटामिन की कमी हो सकती है, विटामिन बी की, विटामिन B12 की, विटामिन डी की, विटामिन ई की कमी हो सकती है, कैल्शियम की कमी हो सकती है। जब आप जांच कराते हो और पाते हो कि ये तो कमी है ही नहीं, ये तो सारे बिल्कुल नॉर्मल है, जितने होने चाहिए उतने ही हैं, तो फिर क्यों थकावट है? इसका भी तो कारण होगा, कहीं से तो ढूंढना पड़ेगा, तभी तो उपचार होंगे। इसका कारण है डिप्रेशन, यानी आपको पता नहीं है लेकिन आपके अनकॉन्शियस माइंड में किसी भी घटना को लेके डिप्रेशन खर कर रहा है, आपको उससे लड़ना पड़ेगा। आपके अंदर जो नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं उसको हटाना पड़ेगा, तभी आपकी थकावट दूर होगी। इसे हटाने के पहले कारण है कि सुबह उठ के आप दौड़िए, चलिए, घूमिए, जबरदस्ती शरीर को खींचिए। उसके बाद अनुलोम विलोम, कपालभाति जैसे साधारण, मतलब करने में आसान वाले योगा एक्सरसाइज करें। उसके पश्चात आप संभव हो तो किसी काउंसलर से मिले, काउंसलिंग कराएं कि किस बात को लेके आपके अंदर कौन सी बात खर कर गई है जिसके कारण आप डिप्रेशन में जा रहे हैं। आप उसे समझ नहीं पा रहे हो लेकिन वही इतना प्रभावित कर रहा है आपको कि आपके शरीर में थकावट महसूस हो रही है। इस संबंध में हम वीडियो और भी आपको देंगे ताकि आप अपने अंदर की थकावट को अच्छे से समझ सके। वीडियो लंबा होगा तो आप देखेंगे नहीं, इसलिए आप इसे जरूर देखें। आंवला जरूर सेवन करें, अमरुद का सेवन करें, विटामिन सी जरूर लें और संतुलित आहार लें, फैटी चीज न खाएं, थायराइड की भी जांच करें। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा शेयर जरूर से लाइक कर देंगे, शेयर और सब्सक्राइब भी कर देंगे। इंस्टा जय माता।